अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार कुछ कुत्ते आपस में चिपक जाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल से छूट पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्तों के इस चिपकने का कारण एक श्राप है जो महाभारत के समय द्रौपदी ने कुत्तों को दिया था। जी हाँ, यह सब एक श्राप के चलते होता है और आज हम आपको इस श्राप के पीछे की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, महाभारत में पांचों पांडव भाइयों की पत्नी द्रौपदी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। दोस्तों, द्रौपदी की उत्पत्ति राजा द्रुपद के हवन कुंड से उस समय हुई थी जब वह अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे। राजा द्रुपद के उसी यज्ञ हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र के साथ द्रौपदी भी प्रकट हुई थी। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको विस्तार में द्रौपदी की सुहागरात के बारे में बता दे। तो आप लोग यह भी जानते ही होंगे कि राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर किया था, जिसमें ब्राह्मण भेष में आए अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। दोस्तों, जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, उस समय पांचों पांडव भाई अपनी माँ कुंती के साथ अपनी पहचान छिपा कर ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांग कर अपनी जीविका चलाते थे। पांचों पांडव भाई जितनी भी भिक्षा मांग कर लाते थे उसे अपनी माँ कुंती के सामने रख देते थे, फिर उसने उस भिक्षा को माँ कुंती पांचों में बांट दिया करते थे। दोस्तों, इसी प्रकार अर्जुन और द्रौपदी को लेकर अपने घर आए तो उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर देवी कुंती से कहा कि देखो माँ, आज हम लोग आपके लिए क्या लेकर आए हैं। परंतु घर का काम कर रही कुंती ने उनकी तरफ देखे बिना ही यह कह दिया कि पांचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कुंती सहित पांचों पांडव भाई बड़े ही सत्यवादी थे और अपनी माँ के मुंह से निकली हर बात को आदेश की तरह पालन करना अपना धर्म समझते थे। इस कारण अपनी माँ के मुंह से निकले इन शब्दों को लेकर पांचों भाई चिंतित हो गए। देवी कुंती ने भी जब द्रौपदी को देखा तो वह भी बड़ी विचलित हो गई थी। उसने यह क्या बात बोल दी, तभी अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। दोस्तों, जब किसी से भी इसका कोई रास्ता नहीं निकला तो इस बात से राजा द्रुपद भी बड़े परेशान हो गए और उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी स्त्री के पांच पति की बात तो सोची भी नहीं जा सकती है। तब महर्षि व्यास राजा द्रुपद को बताते हैं कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शंकर से ऐसा ही वरदान प्राप्त हुआ था। भगवान शिव के उसी वरदान के कारण यह समस्या हुई है और भगवान शिव की बात अन्यथा कैसे हो सकती है। महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गए थे। दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ ही कक्ष में अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम साथ हुआ और उस रात द्रौपदी भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर इसी प्रकार अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ में द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद द्रौपदी ने अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। तो दोस्त, इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था, क्योंकि जब भगवान शिव ने द्रौपदी के पांच पति प्राप्त होने का वरदान दिया था तब वह भी जानते थे कि अपने पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभा पाएगी। इस कारण उन्होंने द्रौपदी को साथ में यह वरदान भी दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेगी। इसलिए द्रौपदी अपने पांच पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। परंतु संतान प्राप्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण ने यह सुझाव रखा कि प्रतिवर्ष द्रौपदी एक ही पांडवों के साथ अपना समय व्यतीत करेगी और जिस समय युवती अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ अपना समय व्यतीत कर रही होगी तब उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। रानी द्रौपदी पांच पांडव पतियों की साझी पत्नी थी। द्रौपदी संग अंतरंग समय बिताने के लिए पांडव ने एक गजब का तरीका खोज निकाला था जिससे कि उन्हें एक दूसरे से उलझन न हो। यह तय किया गया कि जब भी कोई भाई द्रौपदी के कमरे में दाखिल हो तो वह दरवाजे पर ही अपनी जूतियां उतार दे ताकि बाकी लोगों को भी यह पता चल जाए कि द्रौपदी अकेली नहीं है। एक दिन एक भाई बाहर दरवाजे पर अपनी जूतियां उतार कर तो भीतर चला गया।
मगर वहां से गुजर रहा एक कुत्ता खेल खेल में वहां रखी जूतियां उठाकर ले गया। ठीक उसी वक्त दूसरा पांडव भाई, जो द्रौपदी संग वक्त बिताना चाहता था, यह देखकर कि दरवाजे पर कोई जूती नहीं है, यह मान बैठा कि वह अकेली है। इससे एक शर्मनाक स्थिति बन गई, जिसने द्रौपदी को नाराज कर दिया। द्रौपदी को एहसास हुआ कि यह सब एक कुत्ते की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से उसे बेहद शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, और तब जाकर उसने सभी कुत्तों को श्राप दिया कि वे भी उसी की तरह शर्म का सामना करेंगे जैसे द्रौपदी को करना पड़ा। तब से संभोग के बाद कुत्ते एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।